हेलो दोस्तों, आज मैं बात करने जा रहा हूँ आत्मा के चोर कॉमिक्स के बारे में। सबसे पहले बता दूँ कि ये मेरे पास 30 रुपीज़ वाली रिप्रिंट है और हाल फिलहाल में ही राज कॉमिक्स ने इस कॉमिक को रिप्रिंट किया है। अगर मैं इसकी एक चीज़ मैं और मेंशन करना चाहता हूँ कि जो इस कॉमिक का कवर है वो मुझे काफ़ी पसंद है, क्योंकि आर्टवर्क काफ़ी अच्छा बना हुआ है। अब अगर मैं इसकी स्टोरी और कॉन्सेप्ट के बारे में बात करूं तो स्टोरी ऐसी है कि कोई है जो लोगों की आत्मा को चुरा रहा है और ऐसा करते करते वो ध्रुव से भी उसका पाला ध्रुव से ही पड़ता है और उसका ये मिशन होता है कि वो ध्रुव की आत्मा की भी चोरी कर ले, उसकी आत्मा की भी चोरी कर ले। लेकिन ऐसा वो कौन है जो आत्मा को चुराता है, किस मकसद चुराता है, ये सब जानने के लिए तो आपको ये कॉमिक पढ़नी पड़ेगी। और सही में वैसे मैं एक छोटी चीज़ बता देता हूँ कि चलो स्पॉइलर नहीं देता, लेकिन एक चीज़ इतना पक्का मैं बोल सकता हूँ कि इसकी जो स्टोरी और कॉन्सेप्ट है काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। और अगर मैं आर्टवर्क के बारे में बात करूं तो जैसा कि आप देख पा रहे हो कि आर्टवर्क काफ़ी ज़्यादा अच्छा बना हुआ है। एक चीज़ और कह सकता हूं कि ये काफ़ी अच्छा, हालांकि बार बार एक चीज़ रिपीट ही कर रहा हूं, लेकिन वही बात है कि आर्टवर्क और स्टोरी बहुत ज़्यादा अच्छी है। अकॉर्डिंग टू मी ये फुल पैसा वसूल कॉमिक है। बस लास्ट में इतना ही बोलूँगा कि अगर आप ध्रुव के फैन हो तब तो आपको डेफिनेटली इस कॉमिक को ख़रीदना चाहिए। अगर आप ध्रुव के फैन नहीं भी हो और अगर आप एक अच्छी कॉमिक को एंजॉय करना चाहते हो तब भी आप इस कॉमिक को ख़रीद सकते हो, और मेरे हिसाब से फुल पैसा वसूल कॉमिक है। तो ठीक है दोस्तों, आज के वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।